फरीदाबाद की पंजाबी बहुल सीट बड़खल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप सिंह द्वारा आयोजित जनसभा में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जनता से कहा कि आप कांग्रेस के विधायक बनाकर भेजो, मैं आपको कांग्रेस की सरकार बनाकर दूंगा। इस मौके पर भाजपा छोड़कर आए पंजाबी नेताओं को कांग्रेस में शामिल भी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने अपने भाषण के दौरान शहर की समस्याओं का जिक्र किया, जिन्हें सुनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार आने पर इनका निदान करने का आश्वासन दिया। आप सभी जानते हैं 2009 से 14 के बीच हरियाणा ने हर क्षेत्र में नए आयाम छुए। हरियाणा के नवनिर्माण में आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का लिया जाता है। आज जो इस बदहाल शहर के लिए हमें चाहिए वो हम आपको बताते हैं। 2014 में मेट्रो आप लाए, उसके बाद एक पिलर नहीं लगा। अब गुड़गांव तक मेट्रो का वायदा बीजेपी ने किया नहीं था। आपसे रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव तक मेट्रो आप लेके जाए। बढ़कर क्षेत्र का जो टाउन और बाकी कॉलोनी जिसके हमारे हिस्से हैं, उन सभी हिस्सों में आप देखेंगे 60-70 साल पुरानी सीवेज और ड्रेनेज लाइन है। इस पूरी लाइन को आज बदलने की जरूरत है। सरकार बनने के बाद आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, इस शहर को वापस गौरव देने के लिए ये सारा सिस्टम आपके कर कमलों से हो, ये हम सब चाहते हैं। बड़कल लेक जो ये 200 करोड़ का बीजेपी ने एक ड्रामा कर रखा 8 साल से, हमारे शहर की पहचान भी नाम भी बड़कल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि सीवर के एसटीपी को ट्रीट करके सीवर के पानी को और फिर ये इसको भरेंगे। इनसे गलियों का सीवर साफ नहीं हो रहा। हमारी माताएं बहनें अगर पूछो तो बता देंगी उनके घरों में सीवर जा रहा है। टाउन में 70% सड़कों पे सीवर है, ये हालात है। घर की बछिया भूखी मर रही है, ये गौशाला जमाने की बात कर रहे हैं। गलियों का सीवर साफ नहीं हो सकता, बड़कल पहुंचाएंगे। ये घोटाला बंद करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे अनंगपुर पहाड़ में बड़कल से भी बड़ी बड़ी लेक है, अगर एक लेक का भी पानी आपने बड़कल पहुंचा दिया तो आप समझ लो आज से 60-70 साल पहले जो गौरव था भड़कल का वो आपके हाथों से फिर वापस आ जाए। एक और चीज के लिए फरीदाबाद की पहचान बन गई है। एक तो टोल, इस शहर में 6-6 टोल हैं। आपने गुड़गांवा का टोल अपने हाथों से बंद कराया पब्लिक इंटरेस्ट, और बदरपुर का टोल हमें याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तब बना था। 20 साल हो गए इस टोल को जबरदस्ती भाजपा से चलाई जा रही है, इसकी मियाद ही 10 साल थी। ऐसे ही गुड़गांवा टोल रोड भी आपने बनाया था, उसकी मियाद भी 10 साल थी, और सोहना रोड की मियाद भी 10 साल थी। सरकार जाने के बाद इन्होंने दादागिरी करके 10 साल से दोबारा जबरन वो टोल चला रखे हैं। 6 टोल फरीदाबाद में है सीएम साहब, 6 टोल, इससे ज्यादा टोल किसी शहर में नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम ये जो 3 टोल है फरीदाबाद के जो इल्लीगल है, आपकी कलम से ये जरूर हटे। फरीदाबाद पे जो टोल नगरी की तोहमत लग रही है हटनी चाहिए। एक और आप चीज देखिए, कहीं नहीं है ग्रीन बेल्ट में हर चौक पे ठेके आज फरीदाबाद में और कहीं नहीं दुनिया में। रिहायशी इलाकों के सामने ठेके, सामने मकान इधर ठेका, उन घरों के क्या हालात होते होंगे। मंदिरों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, स्कूल के सामने ठेके, ये पॉलिसी निरस्त की जाए, शहर का माहौल और उसकी प्रतिष्ठा बिगड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है शहर की, हजारों जगह है। आपसे ये भी एक हमारी बड़कल की रिक्वेस्ट है। एक हमारे यहाँ 10 साल हो गए डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 साल से कोई नहीं बना, आबादी दुगनी हो गई है बड़कल क्षेत्र के लिए। सरकार बनने के बाद आपसे आग्रह की एक डिग्री कॉलेज भी बड़कल को दिया जाए। आप पीछे आए थे प्रवासी सम्मेलन करके गए थे हरियाणा का, वहां आपने घोषणा भी की थी, उसे मैं दोहरा रहा हूं, आपका वायदा भी था कि हरियाणा में प्रवासी कल्याण बोर्ड आप बनाएंगे और हमारे जितने भी 8-10 प्रवासी संस्थान है मेन सबको भवन देने की भी आपने घोषणा की। वो वायदा आपका मैं यहाँ दोहरा रहा हूं और सभी लोगों को उम्मीद है वो आपके हाथ से ही होगा। ट्रॉमा सेंटर हमारे फरीदाबाद में, इतना बड़ा शहर है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ गेस्ट टीचर
और कच्चे कर्मचारियों की संख्या आशा वर्कर आंगनवाड़ी इतनी है, हालांकि आपने पहले ही घोषणा की हुई है, फिर भी इस मंच के माध्यम से दोहरा रहा हूं, उनको पक्का करने का आप कोशिश आप वायदा करें। ये सब कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, तो आज समय है। बातें तो बहुत थी, ऐसा क्या हुआ, एकदम कैसे हुआ ये? क्योंकि लोगों ने जो हमारी सरकार थी 2005 और 14 के बीच की, और इनकी 14 से 24 के बीच में दोनों के काम तोल के देख लिए। जिस दिन हमने 2014 में सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर एक का प्रदेश था। और आज किस चीज में हो गया? आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। अपराध की तो स्थिति है, केंद्र सरकार का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित बता रखा उन्होंने, मतलब सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करा, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं अनगिनत, तो ये परिस्थिति हो गई। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियों को आज तक न्याय मिला, जिन्हें दुनिया में नाम कमाया हमारा। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया 36 बरादरी ने कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये मैं ले गया। अब सवाल फरीदाबाद का है, हमारे को सेवा का मौका मिला। उस समय जो फरीदाबाद पंडित जी ने बसाया था, हमारे से पहले जो इनेलो सरकार थी, भाजपा भी उसमें साझेदार थी, इसको फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम किया था। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि फरीदाबाद को फिर फरीदाबाद बनाए, आईएमटी बनाया, मेट्रो लेके आए, दिल्ली या फरीदाबाद से गुड़गांव रोड जोड़ी, बाईपास बनाया, कितने ही काम गिना लो। और यहाँ पे अभी कह रहे थे विजय प्रताप जी, यहाँ डिग्री कॉलेज की, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज बनाया हमने, हाँ यहाँ बनाया मेडिकल कॉलेज बनाया, तो डिग्री कॉलेज तो बन ही जाएगा, तो कोई बात ही नहीं, जहाँ मेडिकल कॉलेज बनते। इस प्रकार से काम किए और 10 साल इस सरकार को हो गए। मेरा खुला सवाल है आपसे, भाई कोई काम किया है सरकार ने जिसको कहो भाई हाँ ये किया? नहीं किया, फिर किस बात, किस बात की? इन्होंने विजय प्रताप जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था। तो वैसे तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है। एक तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 और महिलाओं को 2,000 और जो आपकी गरीब आदमी है उसकी 300 यूनिट बिजली फ्री और गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा। तो और बहुत सारे काम है, आपने देखे होंगे, किसानों के लिए भी अलग से किया हमने, जवानों के लिए भी। और इस सरकार ने कभी भी हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ की है, ठेके पे नौकरियां दी 10 साल तक, पक्के नहीं करे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2,00,000 पक्की नौकरी खाली है आज, मतलब सेंक्शन पोस्ट। कांग्रेस सरकार बनेगी तब अपने बच्चों को 2,00,000 बच्चों को सरकारी नौकरी पक्की देंगे। लेकिन फरीदाबाद की समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ, जो बताया मेरे को मालूम है। शहर जब बसाया, जब पॉपुलेशन कम थी, सीवरेज लाइन उस टाइम बिछी थी, अब समय के अनुसार से सीवर की लाइन बड़े होने चाहिए। पीने के पानी की समस्या है आपकी, तो भाई ये दो काम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कांग्रेस की, पीने के पानी की और सिविल लाइन की, ताकि सबसे सुखी काम। और बहुत सारी बात और समस्या बताई इन्होंने, जैसे गलत फैसले किए इन्होंने, CLU है बहुत, जो हमने 1,500 रुपए में किया था इन्होंने 15,000-20,000 रुपए कर दिया, जो दुकानें बनी हुई हैं उनका कर दिया। और सबसे ज्यादा भारी भ्रष्टाचार इन्होंने जो है 3 चीज लगा के, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र वो लगा दिया, और प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार का अड्डा। कांग्रेस आएगी
तो इनसे भाई इनको चलता करेंगे, वही पोर्टल चलेंगे हरियाणा में जो जनहित के पोर्टल होंगे। तो सवाल आता है ये सारे काम जो विजय प्रताप जी ने बताए वो कब होंगे भाई बताओ? कांग्रेस की सरकार आएगी जब, है ना? सरकार कौन बनाएगा भाई? सरकार बनाते हैं एमएलए, आप बनाते हो एमएलए को। सरकार जब बनेगी जब आप अपने हलके से कांग्रेस पार्टी का एमएलए बना के भेजोगे और उसके बाद ये सारे काम होंगे। जो फैसले हमने पहले कर रखे हैं उनमें कोई नहीं, जो फैसला मौजूदा सरकार ने गलत कर रखा है उनको रिव्यू करेंगे और गलत फैसले से आपका छुटकारा दिलवाएंगे। बहुत सारे फैसले गलत हैं, इन्होंने बताया अजीब से फैसले कर रखे हैं सरकार ने। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि भाई आप 36 बरादरी मन बना चुकी है, फरीदाबाद का भी आपके, तुम विजय प्रताप जी को यहाँ NID से चुन के भेजोगे तो आपकी शक्ल बदले, विजय प्रताप को यहाँ से विधायक बना के भेजो, इसको ज्यादा से ज्यादा मतों से बना के भेजो। एक एक काम मेरे कहने से कर दो, एक काम मैं तुम्हारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से ये कर दो कि विजय प्रताप को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, तुम्हारे कहने से मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा भाई। और जो आज जिन साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कपूर साहब ने और साथियों ने, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान और सम्मान और स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत धन्य। और भाई एक बात सुनो, आज क्या है, दुशहरा कब होगा? 12 अगर 12 तक सरकार बन गई कांग्रेस की तो दशहरा जो है यहाँ की संस्थाएं मनाएगी, सरकार नहीं मनाएगी, तो आपका दशहरा मनवा देंगे।